नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु चरण पर। दोस्तों, आज के दैनिक राशिफल कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज 20 सितंबर 2020 दिन रविवार है। यह दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के कार्यक्रम को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। इस राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। सूर्योदय सुबह 6:09, सूर्यास्त शाम को 6:20, चंद्रोदय सुबह 9:03, चंद्रास्त शाम को 8:39। तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी 2:26 तक रात के 21 सितंबर तक। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र 10:52 तक रात के। योग इंद्र योग 11:39 दोपहर के। करण वडिज 3:59 दोपहर के। वृष्टि 2:26 रात के 21 सितंबर तक। वार रविवार। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपकी राशियों का हाल, क्या कहता है आपका राशिफल, क्या कहते हैं आपके सितारे, और आपको बताएंगे उपाय अपने दिन को और ज्यादा शुभ और बेहतर बनाने के लिए। मगर उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। पिछले कुछ समय से चल रही समस्याओं से राहत मिलेगी, जिससे घर का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। कहीं फंसा हुआ पैसा भी वसूल करने के लिए समय अति उत्तम है, इसीलिए प्रयासरत रहें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आत्मिक खुशी भी प्राप्त होगी। आज किसी भी प्रकार की यात्रा को स्थगित ही रखें। आस पड़ोस में किसी छोटी सी बात को लेकर कोई बहुत बड़ा इशू बन सकता है, जिसका असर आपके पारिवारिक वातावरण पर भी पड़ेगा। इसीलिए बेहतर है कि दूसरों की समस्याओं से दूर ही रहें। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श अवश्य करें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने उच्च अधिकारियों से संबंध ना खराब करें, ताकि आपको दूसरों के समक्ष अपमानित ना होना पड़े। नए विषय के बारे में जिज्ञासा और खुद से प्राप्त किया ज्ञान, यह आपके स्वभाव के पहलू आज महत्वपूर्ण साबित होंगे। परिवार के बच्चों की जिज्ञासा को उचित प्रोत्साहन दें। व्यस्तता की वजह से आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन जीवन साथी का सहयोग पारिवारिक वातावरण को अनुशासित बनाकर रखेगा। अत्यधिक काम के बोझ की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी, अपना ध्यान भी रखना अति आवश्यक है। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा, शुभ रंग आपका मेहरून होगा। आज आप भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, लाभकारी होगा। वृष राशि। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न होगा, साथ ही कुछ समय परिवार के लोगों के साथ भी महत्वपूर्ण योजनाओं को बनाने संबंधी विचार विमर्श में व्यतीत होगा। काम की अधिकता रहेगी, परंतु आप अपने आत्मबल और ऊर्जा से उन कार्यों को संपन्न भी करने में सक्षम रहेंगे। बच्चों के करियर को लेकर कोई चिंता रह सकती है, परंतु अभी वर्तमान परिस्थितियों के कारण धैर्य बनाकर रखना ही उचित है। तनाव लेने से परिस्थितियां और अधिक विपरीत महसूस होंगी। प्रॉपर्टी संबंधित व्यवसाय में किसी भी प्रकार के कार्य को करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें, क्योंकि जरा सी चूक से बहुत अधिक आर्थिक नुकसान आपको हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को आज ऑफिस का कुछ अधिक काम करना पड़ेगा, अपना अधिक समय खुली हवा में बिताएं। सूर्यास्त के बाद आप ठीक महसूस करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण काम भी होंगे जो खोया आत्मविश्वास और उत्साह देगा। भूतकाल की घटनाओं का अधिक विचार ना करें, परिवार के साथ सामंजस्य से पेश आएं। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना और घूमना फिरना आपके मूड को तरोताजा रखेगा। खांसी जुखाम या गला खराब हो जाने जैसी समस्याएं रह सकती हैं। गलत खान पान से दूर रहें। आज आपका भाग्यांक 3 होगा, शुभ रंग आपका गुलाबी होगा।
आज आप भगवान गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ाएं लाभकारी होगा। मिथुन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। प्रकृति के अधिक नजदीक रहना और ईश्वरी सत्ता पर विश्वास करना आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कुछ समय अपने परिवार के साथ भी अवश्य व्यतीत करें, क्योंकि संतान से संबंधित परेशानी में उनका सहयोग करना तथा मनोबल बढ़ाकर रखना आपका दायित्व है। रिश्तेदारों व मित्रों के साथ भी अपने संबंध खराब ना करें। टूर एंड ट्रेवल्स, मीडिया तथा कलात्मक कार्यों संबंधी व्यवसाय में बेहतरीन उपलब्धियां रहेंगी। अचानक ही किसी व्यक्ति से मुलाकात होना दोनों के लिए कुछ लाभदायक बिजनेस का आदान प्रदान होगा। सरकारी सेवारत व्यक्तियों के लिए कोई इमरजेंसी ड्यूटी लग सकती है। आज आप और पारिवारिक आध्यात्मिक कार्य से जुड़े रहेंगे। मेडिटेशन से आज खास लाभ होगा। परिवार में सुख शांति और आनंद बना रहेगा। लगभग सभी घरों के लोगों की प्रगति होगी। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों को मर्यादित रखना अति आवश्यक है। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या तथा खान पान आपको निरोगी व ऊर्जावान बनाकर रखेगी। आज आपका भाग्य अंक 7 होगा। शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप गणेश जी अथर्वशीर्ष का पाठ करें, लाभकारी होगा। कर्क राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। यह समय भावुकता की बजाय व्यवहारिक सोच रखने का है। आपकी बुद्धिमानी तथा व्यापारिक रवैया आपके लिए लाभदायक स्थितियां उत्पन्न करेगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी आपको मिलेगा। अपने नजदीकी लोगों के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत करते समय थोड़ा सावधान रहना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी को पैसा उधार ना दें, क्योंकि वापसी की संभावना मुश्किल है। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्य में अपना समय व्यर्थ ना करें। सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर ही अभी ध्यान केंद्रित रखें तो उचित रहेगा, क्योंकि अभी किसी नए काम में हाथ डालने का उचित समय नहीं है। परिवार से सहयोग और आनंद प्राप्त होगा। खास करके छोटी बहन या भाई से आपकी प्रगति उनके जीवन में आगे प्रेरणा बढ़ने की प्रेरणा आप देगी। यदि आप शिक्षण से जुड़े काम करते हैं तो आपको आर्थिक लाभ भी होगा। अविवाहित व्यक्तियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आने की संभावना बनी हुई है तथा परिवार में भी खुशी भरा माहौल बना रहेगा। तनाव का प्रभाव आपकी कार्यक्षमता व मनोबल पर पड़ सकता है। मेडिटेशन व योगा का सहारा लें। आज आपका भाग्य अंक 1 होगा। शुभ रंग आपका हल्का गुलाबी होगा। आज आप भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, लाभकारी होगा। सिंह राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में उचित व्यवस्था बनाकर रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। संतान की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नतापूर्ण वातावरण बना रहेगा, परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि घर के लोगों पर आपका अधिक हस्तक्षेप ठीक नहीं है। उन्हें अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता भी देने की आवश्यकता है, परंतु बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी जरूर बनाए रखें। व्यवसाय में काम की अधिकता के कारण कुछ अथॉरिटी अपने कर्मचारियों को भी दें, जिससे आपका कार्यभार हल्का हो जाएगा और तनाव से भी आपको राहत मिलेगी। यह समय कॉम्पिटिशन के माहौल में अत्यधिक मेहनत और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें, खास तौर पर जिन भावनाओं से आपको तकलीफ है। नकारात्मक भावनाओं का सामना करना ही एकमात्र इलाज होगा। वाहन को संभाल कर चलाएं। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। दोस्तों के साथ कोई फैमिली गेट टुगेदर भी होगी। मौसमी बुखार व खांसी जुकाम जैसी समस्याएं रहेंगी। थोड़ी सी सावधानी आपको स्वस्थ रखेगी। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा। आज आप जल में लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ प्रदान करें, लाभकारी होगा। कन्या राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपका सकारात्मक तथा आत्मविश्वासी दृष्टिकोण आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखेगा। इसके प्रभाव से रिश्तेदारों तथा घर परिवार में भी संबंध और अधिक मजबूत बनेंगे। किसी धार्मिक संस्था में सेवा संबंधी योगदान भी रहेगा। पैतृक संबंधी कार्य में कोई रुकावट आने की वजह से तनाव रह सकता है, परंतु इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भाइयों के साथ संबंध खराब ना हो, क्योंकि इसका असर सबके पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। बच्चों को भी आपके सहयोग की आवश्यकता रहेगी। साझेदारी से संबंधित व्यवसाय में स्थितियां लाभदायक रहेंगी। आपकी योजना और कार्यशैली आपके व्यवसाय को और अधिक प्रगति प्रदान करेगी। नौकरी पेशा व्यक्ति आज घर में अपनी फाइलों व दस्तावेज को पूरी तरह से व्यवस्थित कर लें।
भविष्य से जुड़ी चिंता आपके तनाव का कारण है, जो नींद पर भी आपका असर कर रही है। भूतकाल से मिली असफलता का असर गहरा दिखाई देगा। यदि आपको बहुत ही तकलीफ है तो हीलिंग लेना जरूरी है। जब तक आपके अंदर डर बना रहेगा, आप उचित कदम नहीं उठा पाएंगे। घर की किसी भी समस्या को पति पत्नी मिलकर हल करेंगे, इससे आपसी संबंध और भी मधुर बनेंगे और परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। गैस और कब्ज की वजह से पेट खराब रह सकता है, आज अल्प आहार ही लें। आज आपका भाग्य अंक 7 होगा, शुभ रंग आपका हरा होगा। आज आप भगवान गणेश जी का पूजन करें, लाभकारी होगा। तुला राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आप अपनी प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता के बल पर कुछ ऐसा निर्णय ले पाएंगे कि आप खुद ही आश्चर्यचकित रहेंगे। आपकी उपलब्धियां व सेवा श्रुषा से परिवार के बड़े बुजुर्ग प्रसन्न रहेंगे। समाज और निकट संबंधियों में आपका विशेष स्थान रहेगा, परंतु इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि किसी पुरानी नकारात्मक बात का प्रभाव वर्तमान पर ना पड़े। इसकी वजह से आपसी संबंध खराब हो सकते हैं। विद्यार्थियों का ध्यान कुछ समय से पढ़ाई से उचट रहा है, जिसकी वजह से परीक्षा का परिणाम खराब हो सकता है। व्यवसायिक गतिविधियां आज कुछ धीमी रहेंगी, इसीलिए अपनी कार्यप्रणाली में कुछ परिवर्तन लाएं तथा भविष्य संबंधी योजनाओं पर भी पुनः विचार विमर्श भी करने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को टारगेट पूरा करने के लिए आज भी काम करना पड़ सकता है। एचआर और कम्युनिकेशन से जुड़े लोग अपने कार्य मन के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। आपको जीवन के अलग अलग पहलू में संतुलन बनाना आता है, आज भी आप ऐसा संतुलन बनाए रखेंगे। जीवन साथी का सहयोग आपके मनोबल तथा आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। परिवार में भी सुख शांति व्याप्त रहेगी। किसी किसी समय कुछ हल्का तनाव महसूस होगा, परंतु आप अपनी इस स्थिति पर जल्दी ही काबू पा लेंगे। आज आपका भाग्य अंक 5 होगा, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप भगवान गणेश जी का अभिषेक करें, लाभकारी होगा। वृश्चिक राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज राजनीतिक संबंधों से आपको कुछ फायदा होने की उम्मीद है, इसीलिए अपने जनसंपर्कों को और अधिक मजबूत करें। परिवार में भी आपकी योजनाओं व अनुशासन पूर्ण तरीके द्वारा सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। अनजान व्यक्ति से मेल मुलाकात करते समय थोड़ा सा सावधान रहें। जल्दी ही अपने बारे में किसी को विशेष जानकारी बिल्कुल भी न दें, क्योंकि किसी प्रकार का धोखा मिलने की आशंका बनी हुई है। आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें तथा अपना ध्यान भी एकाग्रचित रखें। ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं, आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त होंगे। पारिवारिक तनाव को अपने व्यवसाय पर हावी ना होने दें। आपको कठिनाइयों या काम जरूरत से ज्यादा बड़े लग रहे हैं, एक वक्त में एक काम की तरफ ही ध्यान दें, आपके काम आसानी से हो जाएंगे। योजना का पालन करना भी जरूरी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत को लेकर घर और व्यवसाय दोनों में आपको सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा और आप इसमें कामयाब भी होंगे। अत्यधिक काम की वजह से थकान रहेगी, परंतु इसका स्वास्थ्य पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। आज आपका भाग्य अंक 1 होगा, शुभ रंग आपका केसरिया होगा। आज आप तीर्थ जल से स्नान करें, लाभकारी होगा। धनुराशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपका अपने व्यक्तित्व और व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ना और सेवा कार्य करना बहुत ही अच्छा निर्णय है, परंतु इसके साथ साथ अपनी तथा अपने परिवार की जरूरतों के प्रति भी जागरूक रहें। अपने व्यक्तिगत रिश्तों को भी महत्व देना अति आवश्यक है। मेहनत के अनुरूप अभी उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे, परंतु इसके लिए तनाव हावी ना होने दें और धैर्य बनाकर रखें। अभी वर्तमान परिस्थितियां ही ज्यादा पक्ष में नहीं है, किसी पर संदेह करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्यों की वजह से व्यवसाय पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से कुछ काम रुक सकते हैं। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में काम करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चोट या दुर्घटना होने की आशंका लग रही है। जीवन से जुड़ी किसी भी बात पर वक्त पर अमल ना करना, अवसर को खो देना या जो तकलीफ नहीं है उसे पैदा करना होगा। आज चाहे कितनी भी नीर उत्साही महसूस हो या डर हावी हो, पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बात को लेकर तकरार हो जाएगी। ध्यान रखें कि घर की बात बाहर ना निकालें। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, परंतु अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित ही रखें। आज आपका भाग्य अंक 6 होगा, शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप भगवान सूर्य को अर्घ दें एवं नमस्कार करें, लाभकारी होगा।
मकर राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। विशिष्ट व्यक्तियों के साथ मुलाकात बहुत ही उत्तम रहेगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श भी होगा, जो सभी के लिए कुछ न कुछ लाभदायक भी साबित होगा। अगर प्रॉपर्टी के बेचने या खरीदने संबंधी कोई योजना बन रही है तो आज का दिन उत्तम है। संतान से संबंधित कोई उम्मीद पूरी न होने की वजह से मन व्यथित रह सकता है, परंतु डांट फटकार की बजाय बच्चे के मनोबल को बनाकर रखें। पड़ोसियों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। आपने किसी नए काम संबंधी जो योजनाएं बनाई हैं, आज उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना करें। अभी वर्तमान कार्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखें। सरकारी कार्यों में अधिकता की वजह से घर पर भी काम करना पड़ सकता है। व्यक्तिगत जीवन की ओर बेहतरीन बनाने का प्रयास आज भी जारी रहेगा। घर की सजावट में किया गया बदलाव सकारात्मक ऊर्जा देगा। काम से ज्यादा पारिवारिक जीवन में आपको आनंद मिलेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, परंतु विवाहेतर संबंधों से अपने आप को दूर ही रखें। आपके लिए मान हानि का कारण भी बन सकते हैं। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता रहेगी तथा अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक है। आज आपका भाग्य अंक 4 होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा। आज आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, लाभकारी होगा। कुंभ राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। संतान की शिक्षा से संबंधित कुछ भविष्य संबंधी लाभदायक योजनाएं फलीभूत होंगी, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप भी अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्यों में केंद्रित कर पाएंगे। घर में किसी नजदीकी मेहमान के आने से खुशी भरा वातावरण बना रहेगा। अधिकतर कार्यों में आपको सफलता मिलने से कभी कभी आप ईगो और घमंड की भावना उपज हो सकती है, जो कि आपके प्रति दूसरों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न करेगी। इसीलिए अपने व्यवहार को सहज व शांत बनाकर रखें। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। किसी नए काम की शुरुआत होगी, परंतु अभी अधिक लाभ की उम्मीद ना रखकर पूरी तरह से मेहनत करें। भविष्य में यही काम आपको फायदा देंगे। पार्टनर संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक है। आज आपको काम को सही न्याय देने के लिए लड़ना पड़ेगा। अपनी बात को अच्छे से रखने की कोशिश करें। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मीठी नोकझोंक रहेगी। जीवन साथी को कोई अच्छा उपहार अवश्य दे। उमस जैसे वातावरण की वजह से सिरदर्द व माइग्रेन रहेगा। गर्मी से अपना बचाव करें। आज आपका भाग्य अंक 3 होगा। शुभ रंग आपका हल्का लाल होगा। आज आप ओम गृहणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें, लाभकारी होगा। मीन राशि, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। अपनी क्षमताओं व ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का भी उचित समय है। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। पैसे के लेन देन संबंधी कार्य को बहुत ध्यान पूर्वक करें। इसकी वजह से घर में कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। अगर कोई वाहन से संबंधित लोन लेने की योजना बन रही है तो पहले उस पर भली भांति विचार करें। आजकल मार्केट में आपकी छवि बहुत ही अच्छी बनी हुई है, इसको बरकरार रखें। आपके यही संपर्क आपको बहुत अधिक व्यवसाय व ऑर्डर की प्राप्ति करवाएंगे, परंतु अपनी कार्यप्रणाली को किसी के समक्ष उजागर भी ना करें। कोई जलन की भावना से आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। जीवन की परेशानियों का असर आज सेहत पर होगा। अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। पुराना कर्जा ना लौटा पाना आपको मानसिक रूप से अस्वस्थ बनाएगा। कोई नया काम भी आपकी लापरवाही की वजह से खराब हो सकता है। घर और व्यवसाय में सामंजस्य बनाकर रखने से खुशनुमा माहौल बना रहेगा, परंतु प्रेम संबंधों में छोटी सी बात को लेकर अलगाव जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कोई चोट या दुर्घटना जैसे योग बन रही हैं। आज आपका भाग्य अंक 9 होगा। शुभ रंग आपका लाल होगा। आज आप भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें, लाभकारी होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट में अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी मित्रों।